इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को करीब 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी ये युद्ध अभी तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सका। न इजराइल रुकने को तैयार है और न हमास मानने को तैयार। इस दौरान युद्ध, बीमारी, भूखमरी और मौत ने गाजा के फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर दिया है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में अब तक गाजा में रहने वाले 33,000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इसराइल में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने हमलों के बीच उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराने के लिए नई दिल्ली में भारतीय दूतावास और अधिकारियों के प्रति आभार जताया है। इसराइल में कार्बनिक रसायन विज्ञान में PhD के छात्र राहुल ने आतंकवादी हमलों के जवाब में इसराइल द्वारा हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद के हालात के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे दूतावास ने उन लोगों की मदद की थी। राहुल ने इस बारे में क्या बताया है, आप भी सुनिए। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस दिन चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। बाद में चीजें स्पष्ट हो गईं। दूतावास ने घर भेजने के लिए हमसे संपर्क किया। दूतावास ने कहा कि उन सभी को वापस भेजने का आश्वासन दिया जो घर जाना चाहते थे। भारतीय दूतावास ने तेजी से लोगों को निकालने का प्रबंध किया और सुनिश्चित किया कि सभी छात्र 2 से 3 दिनों के भीतर अपने घर लौट सके। आखिरकार हमें 2 से 3 दिनों के अंदर वापस बुला लिया गया जो घर जाना चाहते थे। हमने ईमेल के माध्यम से अपनी इच्छा जताई थी, फिर उन्होंने हमें 3 दिनों के अंदर घर वापस बुला लिया। राहुल ने अधिकारियों के स्पष्ट मार्गदर्शन की सराहना की और कहा, हाँ यह बहुत साफ था कि वे जानते थे कि वास्तव में उन्हें क्या करना है। एक अन्य भारतीय छात्र ने भी भारत और इजराइल दोनों सरकारों के प्रति आभार जताया है। इस छात्र ने बताया, After that, when attack happened, we got email from the embassy. We contacted embassy, and the government of India and embassy of India were kind enough to. They did everything, and everything was very smooth. So we would like to thanks to government of India and also government of Israel. Like here, everything was good. Like to our university, and so yeah, everything was smooth. बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायली इलाकों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। हमास के लड़ाके 253 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद इजराइल ने हमास पर हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वहां हजारों भारतीय भी फंस गए थे। भारतीयों को वापस लाने और उनकी मदद के लिए पिछले साल 11 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। दिसंबर 2023 तक 1300 से अधिक भारतीय नागरिक, 14 OIC कार्ड धारक और 20 नेपाली ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारत लौटे थे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।